तो क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था? और कितना सहता मैं, बना दिया इन धर्म के ठेकेदारों ने मुझे भी मुसलमान से मुलजिम। अब ना कोई ख्वाहिश है ना तमन्ना। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी।
Hey, Adam! हाल करूंगा जो तेरे माँ बाप का किया था काफिर साला प्रदेश चल हट चलो भाईजान ये शहर छोड़ के चले जाते हैं कब तक यूं ही सहते रहेंगे कब तक आखिर कब तक हम अपने ही मुल्क में एक मुजाहिद की तरह जीते रहेंगे ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना कि उनका भाईजान अम्मी अब्बा की मौत के बाद इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है अब्बा भी इसी इज्जत के कारण अल्लाह को प्यारे हो गए अब मैं आपको नहीं खोना चाहती आपके सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन Thank you.
से मिल ले। आधा घंटे में। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मुझे बाजार जाना है, मैं जरा कपड़े बदल लूँ। कैसे हो आते भाई अभी? ठीक हूँ। किन लोगों ने की तुम्हारी हालत? बस नाम बता दो, अल्लाह कसम ने जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो गलती उन लोगों ने की है हमें उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, तुम लोग शांत हो जाओ। पर आतिफ भाई, उन लोगों ने तुम्हें मारा है और हम उनकी जान ले लेंगे। उन्हें भी पता चलना चाहिए हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते। उन्होंने एक को मारा है तो हम चार को मारेंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या करने जा रहे हो आप? सब सब शांत हो जाओ। पर आती भाई हम क्या हुआ? उन लोगों ने कहा है ये इलाका छोड़ के चले जाओ वरना जीना मुश्किल कर देंगे। और तो और चुप बैठो, आज बदतमीजी की है कल ना जाने और क्या करेंगे। हमारी बहन के साथ बदतमीजी हुई है और हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें साथ देना है दो और ना हम करेंगे जो करना है। खुदा हाफिज। रुक जाओ अब्दुल, अब्दुल ये अंधी चोट तेरी कभी की सूख जाती मगर अब पक चलेगी। Yeah.
Bundy, kick with the red, has a bird.